ये कहानी है किशन की। किशन एक टैक्सी ड्राइवर था। वो दिन और रात टैक्सी चलाकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। बहुत मेहनती था। एक रात उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद वो आज भी उस बात को भूला नहीं है। रात का समय था, रात के करीबन 11:30 बज रहे होंगे। मानसून का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी और अचानक तेज बारिश होने लगी। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। वो माहौल जैसे थोड़ा डरावना सा हो गया था। उस अंधेरे में थोड़ी थोड़ी दूर की भी चीजें नजर नहीं आ रही थी। खूबसूरत से दिल्ली में रहने वाला किशन अब उस नजारे को देखकर थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। वो पहली बार इतना लेट हो गया था अपने घर के लिए। उसके आसपास के सारे रास्ते सुनसान थे, कोई सवारी नहीं थी। साइड में ही वो अपनी टैक्सी को रोककर अपनी सवारी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे बहुत ज्यादा देर हो गई। उसने सोचा कि चलो अब घर चले जाते हैं। तेज बारिश में किशन पानी को चीरता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। दिन भर इंडिया गेट तो कभी कुतुब मीनार की सवारी को लेकर चक्कर काटते काटते बहुत सारे रास्ते उसे याद थे। दिल्ली के सारे रास्ते तो जैसे उसने रट रखे थे, उसके जितना उन रास्तों को कोई नहीं जानता था। लेकिन आज वो सारे रास्ते उसे बहुत लंबे लग रहे थे। काफी दूर चलने के बाद हाईवे के पास उसे थोड़ी दूर पर एक आदमी नजर आता है। वो आदमी थोड़ा लंगड़ा रहा होता है और उस टैक्सी को रोकने के लिए अपने हाथ से इशारा कर रहा होता है। किशन मन में सोचता है कि शायद अब उसे एक सवारी मिल गई है। किशन उस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ था। बहुत देर बाद उसे एक सवारी जो मिली थी। किशन अपनी टैक्सी को रोकता है तो उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है और वो कहता है, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है, इस बारिश में मुझे और कोई टैक्सी नहीं मिल रही, अगर तुम छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा होगा। किशन उस आदमी को बिठा लेता है। वो दोनों पूरे रास्ते भर एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आदमी बिल्कुल चुपचाप हो गया। अब बेचारा किशन ही बात कर रहा था। फिर किशन उसे छोड़ने के लिए बहुत दूर तक आ गया था, लेकिन किशन के हर बार पूछने पर भी वो आदमी उसे यही कहता था कि बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ा और आगे छोड़ दो। किशन के बार बार पूछने पर भी वो आदमी बार बार बस यही जवाब दे रहा था कि बस थोड़ी दूर और जाना है। अब किशन को बहुत गुस्सा आने लगा था कि तभी वो अपनी टैक्सी को रोक देता है और उस बूढ़े आदमी को उसी बारिश के मौसम में जबरदस्ती उतार देता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और किशन को देने लगता है। किशन के मांगने पर वो आदमी जो पैसे उसे देता है वो पैसे बहुत ही कम होते हैं, जिन्हें देखकर किशन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे इतनी देर से थोड़ी दूर और ले चलो, थोड़ी दूर और ले चलो, ये बोल बोल कर तुम इतनी दूर ले आए हो और अब तुम्हारे जेब में पूरे पैसे भी नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी ला कर दो। तेज बारिश हो रही थी, बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल थरथराने लगा था और ऐसे मौसम में उस आदमी को भेजते हुए किशन को बुरा भी लग रहा था, लेकिन साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए अब वो उसे और दूर नहीं छोड़ना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी किशन से कहता है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं बेटा, इन्हें ले लो। इतनी देर में अचानक किशन की निगाह अपनी टैक्सी के साइड मिरर पर पड़ती है। साइड मिरर में देखने के बाद में वो सीधा साधा बूढ़ा आदमी एक भयानक रूप में दिखाई दे रहा था। सिर से पैर तक वो खून से लथपथ था और उसकी वो हालत देखकर किशन पूरी तरह से डर जाता है और अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं पीछे से वो आदमी किशन को कहता है, बेटा अपने पैसे तो ले लो मुझसे, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देकर रहूँगा। अब वो आदमी किशन का पीछा कर रहा था। किशन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, डरा हुआ लगातार वो अपनी टैक्सी को आगे पका रहा था और वो आदमी उसका लगातार पीछा कर रहा था। वो बार बार कह रहा था, बेटा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, बेटा अपने पैसे तो लेकर जाओ, इसे लेकर जाओ बेटा, ये तुम्हारे पैसे हैं, इसे ले जाओ। ये सारी आवाजें अब किशन के कानों में चुभने लगी थी। वो पागलों की तरह स्पीड बढ़ा रहा था अपनी टैक्सी की। वो सोच रहा था कि किसी तरह बस उस आदमी से पीछा छूट जाए। घबराया हुआ किशन इंडिया गेट के ठीक सामने जाकर रुक जाता है। घबराया हुआ वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है। वो आदमी अब उसके पीछे नहीं था। किशन ने गहरी सांस ली, अब उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। किशन समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। उसे ये भी होश नहीं था कि उसे घर भी जाना था। अब वो कहीं भी जाना नहीं चाह रहा था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं फिर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए कि तभी सामने से उसे एक छोटा सा परिवार आता हुआ नजर आता है। एक आदमी, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा जो उसे हाथ से इशारा कर रहे होते हैं। वो लोग उसके पास आते हैं और उसे थोड़ी दूर चौराहे के पास तक पहुंचने के लिए कहते हैं। किशन उन्हें बैठने के लिए बोलता है। उन लोगों को देखने के बाद किशन अब कुछ शांत सा हो जाता है और अपनी टैक्सी को स्टार्ट करके चलने लगता है।
किशन अपनी सवारी को लेकर निकल पड़ता है उनकी मंजिल की ओर। बारिश हल्की हल्की धीमी हो चुकी थी, मौसम भी थोड़ा शांत होने लगा था। रात के अब यही 12:30 बज रहे होंगे। वो सवारी जो उनकी टैक्सी में बैठी थी वो थोड़ी खामोश थी, पर किशन की बात करने पर वो उस टैक्सी में सवार सभी लोग उससे लगातार बात कर रहे थे और किशन भी अब उन्हें लगातार अपने काम के बारे में बता रहा था कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और कैसे उसे सारे रास्ते कितनी अच्छी तरह से याद है। ये सारी बातें वो उन्हें बता ही रहा था और वो फैमिली भी उन्हें अपने बारे में बता रही थी। किशन अपनी टैक्सी में सामने रखे मिरर में उन्हें देखकर बातें कर रहा था। बातें करते करते वक्त कैसे गुजरने लगा पता ही नहीं चला। चलते चलते बहुत समय हो गया था। किशन अपनी सवारी से पूछता है, आगे वाला चौराया है क्या जहाँ आप लोगों को उतरना है? वो आदमी कहता है, हाँ हाँ आगे वाला चौराया है। किशन अब धीरे धीरे वो सारी बातें भूल गया था। उसे अपने साथ हुई घटना अब इतनी परेशान नहीं कर रही थी और चलते चलते अब रात के करीबन 1 बज रहे थे। यूं ही बातें करते करते किशन की नजर रोड के सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है। देखते ही देखते वो आदमी किशन की टैक्सी के सामने आ जाता है। किशन बहुत ज्यादा घबराने लगता है और किशन को अचानक अपनी टैक्सी की ब्रेक लगाकर टैक्सी रोकनी पड़ती है। किशन को अपनी टैक्सी रोकनी पड़ी और दूर से दिखने वाला वो आदमी अचानक से किशन की टैक्सी की विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है और किशन से कहता है, बेटा ये लो अपने पैसे। तुम तो अपने पैसे मेरे पास ही छोड़कर जा रहे थे, अपने पैसे तो लेकर जाओ। किशन उस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी वही था जिससे वो अपना पीछा छुड़ा कर आया था और भाग रहा था। वो इंसान नहीं था बल्कि वो कुछ और ही था और शायद वो जिंदा ही नहीं था। किशन उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे बार बार वही नजारा दिखाई दे रहा होता है और इस बार वो आदमी अपने असली चेहरे के साथ नजर आ रहा था। वही खून से लथपथ चेहरा, वो भयानक आंखें, अब किशन को सब कुछ ठीक तरह से दिखाई दे रहा था। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। किशन ने खुद को संभाला और अपनी टैक्सी को भगाने लगा। वो जितनी तेजी से अपनी टैक्सी को चला सकता था वो चला रहा था। पीछे बैठी सवारी उसे बार बार पूछ रही थी कि आखिर वो आदमी कौन है जो आपके पीछे पड़ा है। किशन उन्हें कहता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग शांत हो जाओ। किशन लगातार अपनी टैक्सी को तेजी से चलाकर आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर वो आदमी बार बार किशन की टैक्सी के सामने आ रहा था। टैक्सी में बैठे हुए सभी लोग भी डर के मारे कांप रहे थे। अब पीछे बैठे हुए लोगों को भी पता चल गया था कि वो आदमी कोई जिंदा इंसान नहीं है बल्कि एक भयानक आत्मा है। सारे लोग लगभग बहुत ज्यादा डर गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। किशन बस अपनी टैक्सी को चला रहा था लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना है। किशन बस एक ही बात को बार बार देख रहा था कि वो बार बार घूम फिर कर इंडिया गेट के सामने से ही गुजर रहा था। अब सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे जैसे रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। घूम फिर के बार बार किशन एक ही जगह से निकल रहा था। वो आदमी किशन को बार बार वही मिल रहा था जहाँ वो उसे पहले मिला था और वो सिर्फ उससे एक ही बात कह रहा था, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, लो तुम अपने पैसे तो ले जाओ, अपने पैसे ले जाओ। किशन अब सर से लेकर पैर तक थरथराने लगा था। ऐसा होते होते रात के करीबन 1 बज ही चुके थे। ये सारी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे बैठे हुए उस आदमी ने कहा, भाई साहब आपको शायद पता नहीं है ये जो हाईवे है ना नया वाला, ये कुछ सही नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं इसी हाईवे पर होती रहती है। वो आदमी किशन को सारी बातें बताने लगा। किशन के पीछे बैठी सवारी जिसमें वो आदमी भी था किशन को सारा सच बता रहा था कि क्यों हाईवे में अक्सर ऐसे हादसे लोगों के साथ होते रहते हैं। लोग अक्सर इन भूतिया किस्सों से परेशान हो चुके हैं। अक्सर इस हाईवे पर कोई न कोई किसी न किसी का एक्सीडेंट हुआ ही होता है और ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले 6 महीने पहले ही मर चुका है क्योंकि मैंने उसके बारे में न्यूज़पेपर पर पढ़ा था। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, इसका भी किस्सा बड़ा मशहूर है। ये अक्सर लोगों को पहले मिलता है, उनसे मदद मांगता है और फिर उन्हें पैसे देने के लिए उनके पीछे भागता है। अब हमारी बुरी किस्मत ये है कि हम भी उसकी चंगुल में फंस गए हैं और पता नहीं अब हम लोग जिंदा बचेंगे भी या नहीं। पीछे बैठे उस आदमी की बात सुनकर किशन और भी ज्यादा डर जाता है। अब ये सब कुछ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बिना सोचे समझे अपनी टैक्सी को बस चलाए जा रहा था। आगे चलते चलते अचानक किशन की टैक्सी रुक जाती है, मानो कोई खराबी सी आ गई हो। सारे लोग घबराए हुए थे। किशन इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो कुछ करता उससे पहले ही उसे एक अजीब सा आभास होने लगा।
वो अपने सामने एक आदमी को आता हुआ देख रहा था। वो गौर से उसे देख रहा था कि तभी अचानक एक एक करके बहुत सारे लोग उसे अपनी टैक्सी की तरफ आते हुए नजर आने लगे। वो मंजर सिर्फ किशन ही नहीं बल्कि उसके पीछे बैठी वो सवारी भी वो सब कुछ देख पा रही थी। वो परिवार, वो आदमी, उसकी औरत और उसका बच्चा, सब लोग उस नजारे को देख रहे थे। जितने भी लोग उनकी टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था, वो सारे लोग मरे हुए थे। ये मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि किसी से कुछ कह पाना भी मुश्किल था, एक दूसरे से कुछ पूछ पाना भी मुश्किल था। अब क्या होगा, हम लोग बचेंगे या नहीं? उन लोगों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे होकर रह गई। उस औरत ने अपने बच्चे की आंखें बंद कर दी और खुद भी आंखें बंद करके लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी। किशन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सारे लोग टैक्सी के बहुत नजदीक आने लगे थे, लेकिन फिर भी किशन ने हिम्मत दिखाई। वो बाहर जाता है और टैक्सी को चेक करता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसे पीछे से किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। किशन पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि वो सारे लोग उसे गौर से देख रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे, उनमें से भी अब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सारे लोग कहीं मानो गायब से हो गए थे। किशन हिम्मत करके दोबारा टैक्सी में बैठता है। किशन की बार बार कोशिश करने पर आखिरकार टैक्सी स्टार्ट हो गई और किशन के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आ जाती है। वो टैक्सी स्टार्ट करता है और भगाने लगता है। वो बहुत तेजी से टैक्सी चला रहा होता है कि तभी अचानक किशन की निगाह अपने सामने लगे शीशे पर पड़ती है। वो लोग जो किशन की सवारी थे वो अब उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। किशन पीछे पलट कर देखता है पर फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब किशन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि तभी अचानक उसे एक टैक्सी पेड़ से टकराई हुई दिखाई देती है और वो अपनी टैक्सी को रोक देता है। घबराया हुआ किशन अपनी टैक्सी को रोक कर उस पेड़ से टकराई हुई टैक्सी को देखने के लिए आगे बढ़ता है। एक पल के लिए वो सारी बातें ही भूल जाता है। उसे लगता है कि शायद किसी को उसकी मदद की जरूरत है। ये सोचकर किशन अपनी टैक्सी से उतरकर सामने खड़ी टैक्सी के पास जाता है। वो पास जाकर जैसे ही झुककर टैक्सी के अंदर झांकता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है वो खौफनाक मंजर देखकर, क्योंकि उसने जो देखा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने उस टैक्सी के अंदर अपनी ही सवारी को देखा था और आगे ड्राइवर सीट पर खुद को देखा था। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस टैक्सी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं था, वो सब लोग मरे हुए थे। ये देखकर किशन वापस अपनी टैक्सी की ओर भागता है। गिरता पड़ता किशन अपनी टैक्सी तक पहुंच जाता है। वो अपनी टैक्सी को स्टार्ट करके चलने लगता है। उसकी टैक्सी की स्पीड बहुत ज्यादा थी कि तभी उसकी नजर पीछे सवारी पर पड़ती है। उसे अब अपनी सवारी मरी हुई दिखाई दे रही थी। किशन लगभग पागल सा हो गया था। उसकी टैक्सी की स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और चलते चलते उसकी टैक्सी उसी पेड़ से जाकर टकरा जाती है जहां उसने उस टैक्सी को पहले देखा था। सुबह होते ही न्यूज़पेपर पर एक किस्सा छपता है कि एक टैक्सी वाले की एक पेड़ से टकरा कर हुई दर्दनाक मौत। किशन की मौत हो चुकी थी लेकिन उसे अपनी मौत पर यकीन नहीं था। वो हर रात आज भी उस हाईवे पर अपनी सवारी ढूंढता है। अब किशन की आत्मा एक टैक्सी वाले की आत्मा बनकर बहुत से लोगों को उस हाईवे पर हर रात परेशान करती है। ध्यान रहे, कहीं किशन की अगली सवारी आप ना बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स है ना। क्या हुआ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? सिर्फ सुन रहे हो, सब्सक्राइब भी कीजिए ना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। ऋषि और छाया लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की उस रात ने दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। दोनों पति पत्नी थे, बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। दोनों लॉन्ग ड्राइव का मजा लेते हुए हंसते खिलखिलाते हुए अपने सफर की ओर आगे बढ़ रहे थे। अचानक ऋषि का ध्यान सामने गया। ऋषि को कुछ परछाई से दिखाई दी और वो जब तक अपनी गाड़ी को मोड़ता तब तक वो परछाई उसकी गाड़ी से जोरदार टकरा गई। ऋषि ने तुरंत ब्रेक लगाया। अचानक हुई इस घटना से छाया बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डरते हुए ऋषि से पूछती है, ऋषि क्या हुआ?
हमारी गाड़ी से क्या टकराया? ऋषि ने छाया से कहा। शांत हो जाओ, डरो मत, मुझे नहीं पता कि क्या टकराया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। ऋषि गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे पहुँच कर देखा, उसके होश उड़ गए। ऋषि बुरी तरह से कांपने लगा। वो थोड़ा नीचे झुका और फिर से खड़ा हो गया। ऋषि की शक्ल पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल पर खौफ देखकर छाया भी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। काफी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बस बरसात की आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। छाया ने अपनी तरफ की कांच को धीरे से नीचे किया और थोड़ी हिम्मत करके उसने ऋषि से पूछा, ऋषि क्या बात है, तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? ऋषि ये सुनते ही छाया के पास आया और कहने लगा, छाया बहुत बुरा हो गया है। छाया ने पूछा, क्या हुआ है ऋषि? ऋषि ने कहा, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। छाया चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो क्या वो जिंदा है? हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ऋषि ने कहा, अफसोस, गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। मैंने उसकी नब्ज देखी, बंद पड़ गई है। उसे हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। छाया चिंता भरी आवाज में बोली, तो अब हम क्या करेंगे ऋषि? पुलिस को फोन करें, उन्हें सब बता दे? ऋषि ने कहा, छाया अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई, तो पुलिस इस बात को आसानी से नहीं मानेगी, और मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपट जाएगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी, और अगर इसके परिवार वाले हुए तो वो भी हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारे इतने पैसे जाएंगे वो अलग। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी छाया ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे ऋषि? ऋषि ने कहा, हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। छाया ने ऋषि से कहा, अगर पुलिस ने हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख लिया तो हम तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ऋषि ने छाया से कहा, इस लाश को यही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे? फिर ऋषि ने कहा, छाया एक काम करते हैं। छाया ने कहा, क्या ऋषि? ऋषि ने कहा, देखो बारिश हो रही है, इसलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे और इस इंसान के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे, और किसी को कोई भी सुराग नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब हमें किसी भी तरह से वो पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। छाया ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी, हम मिलकर इस लाश को डिक्की में रख देते हैं। दोनों ने मिलकर लाश को डिक्की में रख दिया। ऋषि ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। छाया ने रास्ते में ऋषि से पूछा, तुम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हो? ऋषि ने कहा, देखो छाया, यहाँ पास में ही एक खाली मैदान है। वो मैदान बदमाशों के अड्डे के नाम से बदनाम है। अगर हमने वहाँ पर इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी कि किसी बदमाश ने ही इसकी हत्या कर दी होगी। छाया ने डरते हुए कहा, अच्छा ठीक है ऋषि। ऋषि ने आगे मोड़ पर अपनी गाड़ी मोड़ ली और वो उस नए रास्ते की ओर जाने लगे। कुछ और आगे जाने के बाद ऋषि और छाया उस मैदान के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते ही ऋषि जैसे ही सामने देखता है वो कहता है, हे भगवान अब क्या करेंगे? क्योंकि सामने ही पुलिस की दो गाड़ियां खड़ी थी। छाया ने ऋषि से कहा, ऋषि अब हम क्या करेंगे? ऋषि बोला, तुम डरो मत छाया, हमें बस पुलिस के सामने ऐसे ही बर्ताव करना है कि जैसे हम बस लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं। हमें देखकर उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऋषि गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। एक पुलिस कर्मी ऋषि के पास आया। ऋषि ने जैसे ही कांच नीचे किया तो पुलिस वाले उन्हें पहचान गए, क्योंकि ऋषि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तभी उस पुलिस वाले ने ऋषि से कहा, सर हम आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपका लाइसेंस बताना होगा।
ऋषि ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया। उसके बाद पुलिस ने ऋषि से कहा, सर आप इतनी रात को अपनी पत्नी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है ये जगह कितनी खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए ऋषि ने पुलिस से कहा, जी मैं जानता हूँ, वो एक्चुअली हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे, लगता है मैंने गलती से गलत टर्न ले लिया है। तभी पुलिस कर्मी ने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर, पर आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। चलिए सर अब अपनी डिक्की खोलकर बता दीजिए। ऋषि ने चौंकते हुए कहा, क्या डिक्की? पर क्यों? पुलिस वाले ने कहा, सर हमें जानकारी मिली है कि कुछ तस्कर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं। हम आपको जानते हैं लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, पीछे से ऑर्डर आया है कि हमें सारी गाड़ियाँ चेक करके ही भेजनी होगी। ऋषि चाबी लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे। ऋषि बहुत परेशान हो रहा था पर उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। ऋषि ने चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। हवलदार ने डिक्की में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिक्की में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुनकर ऋषि हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी निगाहें मोड़ ली थी लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की की ओर देखा तो डिक्की सच में खाली थी। ऋषि को पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है सर अब जा सकते हो। ऋषि सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोला और दोनों वहां से निकल गए। तभी छाया ने पूछा, हम कैसे बच गए, तुमने क्या किया? ऋषि ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता छाया, जब डिक्की खोली तो वहाँ लाश थी ही नहीं, डिक्की खाली थी और खून का एक धब्बा भी नहीं था। कुछ दूर ऐसे ही कार चलाने के बाद जब छाया को अचानक से डर लगने लगा तो उसने ऋषि से कहा, लेकिन ऋषि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तभी छाया ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ऋषि? उसके बाद दोनों बस डर के मारे चुपचाप बैठ गए और ऋषि गाड़ी चलाता रहा। कुछ दूर ऐसे ही कार चलाने के बाद जब छाया को अचानक से और ज्यादा डर लगने लगा तो उसने ऋषि से कहा, ऋषि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, एक बार फिर से कार रोक कर चेक करते हैं ना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस डेड बॉडी को हमने मिलकर डिक्की में डाला था तो वो अचानक गायब कैसे हो सकती है? ऋषि छाया की बात सुनकर कार को रोक देता है। कार एक सुनसान जगह पर रुकती है। दोनों कार के नीचे उतरकर डिक्की चेक करते हैं तो डिक्की में फिर से वही भयानक और खौफनाक लाश नजर आती है जिसे देखकर ऋषि और छाया बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पहले वो लाश गायब हो गई और अचानक से दोबारा उनकी कार की डिक्की में आ गई। तभी ऋषि छाया से कहता है, एक काम करते हैं, यहाँ पास में ही एक जंगली इलाका है, हम इस डेड बॉडी को उस जंगली इलाके में फेंक कर आ जाते हैं। उसके बाद ऋषि अपनी कार से एक लाल कपड़ा निकालता है और उस डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है। दोबारा दोनों कार में बैठ जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऋषि अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है और उस सुनसान जंगली इलाके की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक ऋषि को महसूस होता है कि जैसे छाया कुछ चुपचाप सी हो गई है। छाया कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऋषि ने अपनी नजरों को तिरछा करते हुए जब छाया की तरफ देखा तो धीरे धीरे छाया का रूप बदलने लगा था और अब कुछ ही देर में छाया पूरी तरह से वही खौफनाक और भयानक लाश में बदल चुकी थी जिस लाश को ऋषि और छाया ने अपनी कार की डिक्की में रखा था। अब वही लाश ऋषि के बाजू में बैठी थी और अब वो छाया नहीं थी। ऋषि ये बात समझ चुका था कि उसके साइड में वही लाश बैठी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जानबूझकर उस लाश की तरफ अपना मुंह नहीं किया और बस अपनी कार को चलाता जा रहा था। तभी अचानक उस लाश ने ऋषि के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और जोर जोर से अजीब अजीब भयानक आवाजें निकालने लगा। अब ऋषि बहुत ज्यादा डर गया था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अब वो कार भी नहीं चला पा रहा था। उसे बहुत ही गहरा सदमा लग चुका था। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती है
नीली घाट के पास एक खंबे से टकराकर हुई बिजनेसमैन ऋषि खुराना की दर्दनाक मौत और उन्हीं की कार की डिक्की में लाल कपड़े से ढकी हुई मिली उनकी पत्नी छाया की लाश। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। वैसे अगर आप मुझे अपनी हॉरर स्टोरीज भी भेजना चाहते हैं, तो आपको अभी स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टा आईडी भी दिख रहा होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर मुझे अपनी हॉरर स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। फैजाबाद जिले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बिठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज्यादा होने लगी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात पवन ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर ही था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। पवन और तीन चार ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। पवन को ट्रेन से एक लड़की उतरती हुई दिखाई दी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधा पवन के पास आई और कहने लगी, मुझे सोनपुर जाना है। पवन ने कहा, अभी तो बहुत रात हो रही है, इसीलिए 700 रुपए किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाओगे तो मैं 200 रुपए में छोड़ दूंगा। उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। पवन ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। तभी वो लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपए है, आप ये रख लीजिए, घर पहुँचते ही आपको बचे हुए 400 रुपए दे दूंगी। इतना सुनते ही पवन ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में पवन ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुँचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गयी। पवन अपने 400 रुपए के इंतजार में वही खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन वो लड़की वापस लौट कर नहीं आई। पवन के मन में हुआ कि मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। पवन ने उससे कहा, एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, मेरे 400 रुपए देने बाकी है, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। पवन कहने लगा, क्यों माँ जी, अब वो यहाँ क्यों नहीं रहती है? शायद मैंने आपकी बेटी को ही यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए ना। बातों ही बातों में पवन की नजर सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बिठा कर लाया था। पवन ने उस बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तभी पवन बोल पड़ा, माँ जी मैंने कहा था ना कि मैंने आपकी बेटी को ही यहाँ पर छोड़ा है, यही मेरे साथ ऑटो में बैठ कर आई थी वो। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी हो रही है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ये मेरी बेटी है शनाया, लेकिन 5 साल पहले ही ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो बेटा? ये सुनते ही पवन के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी सीट पर 400 रुपए रखे हुए थे। पवन उन 400 रुपए को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो उन 400 रुपए को लेकर उसकी ऑटो में पड़े छोटे से बक्से के अंदर डाल देता है। वो डरते हुए अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर पवन की पत्नी शांति उससे पूछती है, क्या हुआ, आज आप लेट हो गए? पवन घबराते हुए कहता है, वो थोड़ा काम ज्यादा था ना,
तुम खाना लगा दो, खाना खाकर सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पवन इतना घबराया हुआ था कि उसके साथ अभी जो कुछ भी हुआ वो अपनी पत्नी शांति को बता भी नहीं पाया। उसके बाद वो खाना खाकर सो जाता है। रात के करीबन 3 बजे पवन की आंख खुलती है। बाहर जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थी। इन बिजलियों के कड़कने की आवाज सुनकर पवन और ज्यादा घबरा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे रसोई में कोई है। वो उठा और किचन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किचन में कोई लड़की खड़ी है और पानी पी रही है। उसे लगा कि उसकी पत्नी शांति होगी। पवन अपनी पत्नी को आवाज देने लगा, शांति शांति क्या कर रही हो तुम? तुम ही हो ना, मुझे भी पानी दो ना, मुझे भी प्यास लग रही है। लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी। पवन उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। पवन थोड़ा आगे बढ़ा और उसने उस लड़की को अपनी पत्नी शांति समझकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी वो लड़की पवन की तरफ मुड़कर देखती है। वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे पवन ने उसके घर पर ड्रॉप किया था। ये शनाया ही थी। शनाया की शक्ल देखकर पवन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब वो कोई साधारण लड़की नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा भयानक और खौफनाक लग रही थी। उसे देखकर पवन इतना ज्यादा डर गया कि वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन शांति जब किचन में गई तो उसने देखा कि उसका पति पवन नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी ये हालत देखकर शांति घबरा जाती है। वो अपने पति को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पवन को होश नहीं आता। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन पवन होश में नहीं आ रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें एडमिट करना होगा। उसके बाद पवन को अस्पताल ले जाया जाता है। करीब 2 दिन के बाद पवन दोबारा होश में आता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कुछ दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहने के बाद ठीक होकर पवन अब अपने घर वापस लौट आता है। फिर पवन को उसकी पत्नी शांति पूछती है, क्या हुआ, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? और आप उस दिन रसोई में ऐसे जमीन पर क्यों पड़े थे? क्या हुआ था आपके साथ? तभी पवन शांति को सारी बात बताता है कि कैसे एक लड़की जो 5 साल पहले ही मर चुकी थी, उसने पवन से लिफ्ट मांगी, और जब पवन उसे उसके घर पर छोड़ने गया तो पता चला कि वो लड़की तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी, और इस लड़की को पवन ने अपने घर पर किचन में देखा था, और वो भी इतनी भयानक रूप में कि पवन उस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। ये सब सुनकर शांति भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पवन से कहती है, इसका मतलब उस लड़की का साया आपके ऊपर पड़ चुका है, हमें जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक बाबा को दिखाना चाहिए। पवन भी बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसीलिए वो अपनी पत्नी शांति की बात मानकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। दोनों पति पत्नी तांत्रिक बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा पवन को कुछ धागे बांध देते हैं और उसके गले में ताबीज बांध देते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन पवन की पत्नी शांति को अब वो लड़की शनाया बार बार उनके घर में नजर आ रही थी। जब भी पवन घर पर नहीं होता था तो पवन की पत्नी शांति को शनाया की आत्मा उसके घर में भटकते हुए नजर आती थी, और वो इतनी भयानक दिखती थी जिसे देखकर शांति की रूह कांप जाती थी। वो अपने पति पवन को कुछ दिनों तक तो इस बारे में कुछ नहीं बताती। उसे लगता है कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन जब बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो आखिरकार शांति ने पवन को सारी बात बताई कि कैसे उस लड़की का साया अब उनके घर तक पहुंच चुका है और अब वो उनके घर में ही रहने लगी है। ऐसे तो वो उन दोनों को जान से मार डालेगी। ये सुनकर पवन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दोनों पति पत्नी दोबारा उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। तभी तांत्रिक बाबा सारी बात सुनकर उन दोनों से कहते हैं, मुझे लगता है कि उस लड़की का साया तुम्हारे घर पर लग चुका है और अब वो तुम दोनों की जान लेकर ही मानेगी। उस लड़की की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। तुम मुझे वो 400 रुपए लाकर दो जो उस लड़की ने तुम्हारी सीट पर रखे थे।
पवन को तभी याद आता है कि उसने ऑटो में नीचे एक बक्से के अंदर डर के मारे वो 400 रुपए डाल दिए थे और कभी ऑटो से वो 400 रुपए वापस निकाले ही नहीं थे। वो भाग कर जाता है और उन 400 रुपए को लाकर तांत्रिक बाबा को दे देता है। उसके बाद तांत्रिक बाबा उन 400 रुपए को वहां रख कर दोबारा से यज्ञ हवन शुरू कर देते हैं। जोर जोर से मंत्रोच्चारण शुरू हो जाता है। काफी समय तक यज्ञ हवन करने के बाद वो तांत्रिक बाबा पवन और शांति से कहते हैं, ये लड़की इतनी आसानी से मुक्त नहीं होने वाली। इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। हमें इसके माता पिता को भी यहाँ बुलाना होगा। हमें इसकी आत्मा को यहाँ पर बुलाना होगा और जब तक इसके माता पिता यहाँ मौजूद नहीं होंगे उस लड़की की आत्मा हमारे सामने प्रकट नहीं होगी। उसके बाद पवन दोबारा उसी घर में जाता है जहाँ उसने शनाया को पहली बार छोड़ा था। वो उसकी माँ से बात करता है। तभी उसकी माँ पवन को सारी बात बताती है कि कैसे पवन से पहले भी बहुत सारे ऑटो वाले शनाया को यूं ही उनके घर पर छोड़ कर गए हैं और उन सब ने भी शनाया की माँ को यही बात बताई थी कि उन्होंने उनकी मरी हुई बेटी को इस घर पर छोड़ा है और उनके रुपए देने बाकी है। और उसके बाद कई सारे ऑटो वालों की जान जाने की खबर भी शनाया की माँ को पता लगी है। उस रात जब पवन उनके पास गया था तब शनाया की माँ ने ये तो कह दिया था कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन पवन के जाने के बाद शनाया की माँ बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि अब कहीं न कहीं शनाया की आत्मा पवन को भी जान से मार डालेगी। पवन अब बहुत ज्यादा घबरा रहा था। कहीं न कहीं अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी मौत अब तय है। लेकिन तभी शनाया की माँ कहती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। मैं अपनी बेटी को मुक्त करवाने के लिए मुझसे जो हो पाएगा वो करूंगी। उसके बाद शनाया के माता पिता भी उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक बाबा दोबारा से यज्ञ हवन शुरू करते हैं और शनाया की माँ को कहते हैं कि आप शनाया को यहाँ बुलाने की कोशिश कीजिए। कुछ ही देर बाद शनाया की वो खौफनाक आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। शनाया की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा इस तरह मासूमों की जान लेने से तुम्हारी उस दर्दनाक मौत का बदला पूरा नहीं होगा। इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनकी जान लेने से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी मेरी बच्ची। इन सभी को छोड़ दो और मेरी बात मानो बेटा, हमेशा के लिए चले जाओ यहाँ से। तभी वो तांत्रिक बाबा अपनी मुट्ठी में राख लेकर शनाया की आत्मा पर छिड़क देते हैं। शनाया जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे और कुछ ही समय बाद शनाया की आत्मा भी राख बन जाती है और वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद से दोबारा कभी शनाया की आत्मा नजर नहीं आई। पवन और शांति भी अब दोबारा खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि पवन और शांति अपना घर वहाँ से खाली करके दूसरे शहर रहने चले जाते हैं और शनाया के माता पिता भी वो घर खाली करके दूसरी जगह रहने चले जाते हैं और फिर उस घाट स्टेशन पर दोबारा कभी शनाया की आत्मा नजर नहीं आती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और अगर आप मुझे हॉरर स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन तीनों कहानियों में से आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए ऐसे ही और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।